ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 3 जुलाई 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:26 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। यूएस में एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, कल उनका इंडिपेंडेंस डे है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पर छुट्टी होगी यूएस में। तो हो सकता है इंडियन मार्केट्स में थोड़ा वॉल्यूम पे इसका असर देखने को मिल सकता है। तो कल जैसे ब्रेकआउट मिला था हमें, जो 4 दिन का एक रेंज बन रहा था, रेंज बाउंड ट्रेडिंग, उसका ब्रेकआउट मिलने के बाद ये तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि उसके पीछे ये जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, उसका दो न्यूज आए थे। एक इंडिया से आया था जो भारत बायोटेक है, उसने ह्यूमन ट्रायल्स करना शुरू किया है जुलाई में, और जो जर्मन और यूएस कंपनीज है उन्होंने भी जो वैक्सीन बनाया है उसका ह्यूमन ट्रायल्स काफी पोटेंशियल दिखा रहा है। तो इस खबरों के चलते मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मार्केट में आने के लिए और भी 2-3 महीना इसमें लग सकता है, तो एक पॉजिटिव खबर है। हालांकि जियो पॉलिटिकल टेंशन देखे तो अभी भी वहां पर बरकरार है, बॉर्डर पे टेंस बना हुआ है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 2 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,485 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,392। ये फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू लेवल्स निकाले थे हमने, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो। तो निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ जस्ट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, सपोर्ट टेस्ट किया, उसके बाद फर्स्ट टारगेट 10,511 ये अचीव किया, बाद में सेकंड टारगेट जो पिवट पॉइंट के पास आ रहा था 10,537 ये भी इसने अचीव किया। कुछ देर इसने यहाँ पर पेनेट्रेट किया इस लेवल को, फिर नीचे आकर ये जो फर्स्ट टारगेट का हमारा लेवल था इसी के पास इसने 20 EMA भी आ रहा था, सपोर्ट टेस्ट करके फिर से एक बार बाउंस बैक हुआ, तो जबरदस्त तेजी यहाँ से निफ्टी इंडेक्स में दिखाई। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुए, 53 पॉइंट की बढ़त के साथ नासडैक बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो जबरदस्त हरे निशान में बंद हुए। एशियाई बाजार देखे तो आज फिर से लगभग सभी हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं, और डाउ फ्यूचर को देखे तो 54 पॉइंट की अभी इस समय ये गिरावट दिखा रहा था। तो यहाँ पर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। उससे पहले जो कल हमने ये जो आर्ली चार्ट है इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने यूज़ किया था, और कुछ यहाँ पर लेवल्स ये आइडेंटिफाई किए थे। तो आप देख सकते हैं कल एग्जैक्ट ये 123.6 का ये जो लेवल था इसी के पास हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था। यहाँ पर एग्जैक्ट ये ओपन हुआ, उसके बाद ये जो 138.2% का ये लेवल था, यानी जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, यहाँ पर इसने कुछ देर इस लेवल को पेनिट्रेट किया इसने, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ा, और सेकेंड टारगेट जहाँ पर ये 150% का लेवल आ रहा था ये लेवल इसने अचीव किया। 150 और 161.8 ये दो काफ़ी क्रुशियल लेवल्स होते हैं, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। जब लेकिन प्रेशर होता है, बाइंग प्रेशर या फिर बेयर्स का प्रेशर होता है, तब ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू थोड़ा पेनेट्रेट होने के बाद कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। तो कल भी हमने देखा यहाँ से फिर से ये 150 का लेवल ओपन होने के बाद एग्जैक्ट फिर से इसने 161.8% के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और ऊपर जाते वक्त फिर से इसने सपोर्ट फेस किया। तो काफ़ी एक्यूरेटी फिबोनाची लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट दिया। तो ये था कल के एनालिसिस का, थोड़ा सा फिर से एक बार रिव्यू किया है हमने।
निफ्टी के चार्ट में, वीकली चार्ट में देखें तो जैसे कि हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, यहाँ पर अभी ऊपर जाते वक्त ये 50 EM ये ऑलमोस्ट 10,600 के पास आ रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और 100 EM 10,700 के पास आ रहा है। तो ऊपर जाने के लिए ये दो हर्डल्स है, एक जोन बन रहा है यहाँ पर। इनको अगर ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता है, तो और निफ्टी इंडेक्स में यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। ये हम वीकली चार्ट का सीनारियो देख रहे हैं, अभी भी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। ऊपर जाते वक्त ये यहाँ पर हर्डल फेस कर सकते हैं, और नीचे आते वक्त ये अभी ये 20 EM है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। ये अभी 10,100 के पास है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो बन रहा है इस समय। डेली चार्ट पर देखते हैं, डेली चार्ट पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये जो लास्ट ये स्विंग हाई लो बना था, इसको पकड़ के हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, ठीक है। तो अभी इसने 61.8% का लेवल यहाँ से ब्रेक कर दिया, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, लेकिन अभी ये लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो अभी यहाँ पर हमें एक दूसरा स्विंग हाई लो मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसको पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, ये ऐसे, तो आप देख सकते हैं कल एग्जैक्ट 23.6% के पास ये क्लोज हुआ था परसों, और कल ओपन होने के बाद इसने 38.2% का लेवल भी ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव किया। तो अभी इसके ऊपर 10,579 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो ऊपर में हमें 10,700 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। वीकली चार्ट में 10,700 के पास 100 EM आ रहा है, तो यहाँ पर एक हर्डल हो सकता है, लेकिन उससे पहले 10,580 को इसको ब्रेक करना होगा। वीकली चार्ट में देखें तो ये दो मूविंग एवरेजेस है, शॉर्ट मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये दोनों आसपास आ रहे हैं 10,600-700 के बीच में। तो यहाँ पर हो सकता है एक रेजिस्टेंस फेस करे। US में भी 3 दिन का हॉलीडे है, तो हो सकता है वॉल्यूम में भी कमी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव, पॉजिटिव वे में एग्रेसिव होने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये था वीकली चार्ट का सीनरियो इस समय। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह है आर्ली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। अगर ये कंफर्टेबली कल का हाई अगर ब्रेक करता है, और उसके ऊपर तुरंत ये 10,600 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो इस लेवल के ऊपर यानी 10,604 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,030, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R2 का लेवल जो कि 10,657 के पास है। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आता है, तो यहाँ पर जहाँ पर इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया था, सेकेंड टारगेट के पास काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया था इसने, और एक बार साउथ की तरफ मूव होके 20 EM को सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ था। तो ये जो लेवल है, ये हमारा आज का ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है, यानी 10,538 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक क्विकली 10,520 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,492 जो कि पिवट पॉइंट का इस जोन का लेवल है। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड।